ध्यान का अर्थ है चैतन्य की ऐसी दशा जहाँ विचार की कोई तरंग कोई लहर ना हो। जैसे सागर है, झील है और झील पर तरंगे है। यह एक दशा है, जब झील पर तरंगे है हम इसे कहे तूफान, अशांति। ऐसे ही जब चेतना पर तरंगे है विचार की, तो जो अवस्था है उसका नाम है मन। मन कोई अलग वस्तु नहीं है, तरंगित चेतना का नाम है। जब झील शांत हो गई, लहरें सो गई और झील की छाती पर कोई कंपन ना रहा, निष्कंप हो गई, एक मौन दर्पण बन गई, या ऐसा समझे कि जम गई, बर्फ हो गई, अब कोई लहर नहीं उठी, अब कोई लहर उठ भी नहीं सकती। ऐसे ही जब चेतना विचार से शून्य और तरंग से रहित हो जाती है, बर्फ जम गई है झील की, तो जो अवस्था है उसका नाम ध्यान है। मन ध्यान का अभाव है, ध्यान मन का अभाव है। मन है तरंगित चेतना, ध्यान है निस्तरंगित चेतना। जब तक हम निस्तरंगित ना हो जाए तब तक तरंगे हमें बाहर की तरफ ले जाती है। हर तरंग हमें बाहर की तरफ ले जाती है। जैसे हर लहर किनारे की तरफ जाती है, ऐसे ही हर तरंग संसार की तरफ ले जाती है। जितनी बड़ी तरंग उतनी जोर से संसार की तरफ जाती है। जब कोई तरंग नहीं रह जाती तो हमारा संसार की तरफ जाना बंद हो जाता है, हमारी चेतना फिर संसार की तरफ नहीं जा सकती, क्योंकि जाने के लिए तरंगों का सहारा चाहिए। और जब चेतना बाहर नहीं जाती तो फिर भीतर रह जाती है। जब बाहर जाने का द्वार नहीं मिलता, चेतना अपने में ठहर जाती है। उसे अपने में ठहरी हुई चेतना का नाम है ध्यान। ध्यान मनुष्य की अत्यंतिक संभावना है, आखिरी संभावना है। वह जो मनुष्य का बीज फूल बनता है, वही फूल है ध्यान। जहाँ मनुष्य खिलता है उसकी पंखुड़ियाँ खुलती है और उसकी सुगंध परमात्मा के चरणों में समर्पित होती है। ध्यान आखिरी संभावना है मनुष्य के चित्त की।